Assalamu alaikum to family, welcome back to my channel. I hope you are all well and doing great. So aaj ka jo vlog ka start ho raha hai wo aapko nazar aa rahi hogi chai. Sham ka waqt tha to maine socha ki chale chai pi lete hain kyunki wedding season kareeb hai to soch rahi thi ki wazan zara kam kiya jaye. Aap soch rahe honge ki chai bhi keh rahi hai aur wazan kam karne ka bhi actually ye time pe dil cha raha hota hai ki kuch khaya jaye. ये प्रोबेबली 5:30 बजे का टाइम था और भूख शदीद लगी हुई थी क्योंकि अभी मैं एकेडमी से वापस आई थी. हमारा अपना स्कूल और एकेडमी है जहाँ पे मैं फ़िज़िकली होती ही होती हूँ और वो काफ़ी एक हैक्टिक रूटीन है मेरी. तो फिर आके जब खाने को शदीद दिल चाह रहा होता है तो मैंने सोचा कि उसकी भूख की जो क्रेविंग है ना वो चाय से तम की जाए. तो अभी क्योंकि मेरा वर्किंग स्कैजुअल ऐसा है कि मैं खुद से कुकिंग और वो तमाम सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है तो फिर मैंने अपने लिए हेल्पर रखी हुई है. अभी मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह धो के रखी हैं. आज मेरा दिल चाह रहा था कि मेथी आलू बनाते हैं, सच मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड को सब्ज़ियाँ ज़रा पसंद हैं, चिकन और ग्रेन से ज़्यादा. लेकिन खैर मर्दों के भी अपने मूड स्विंग्स होते हैं. जिस दिन सोचा जाए कि आज इनका सब्ज़ी बना लेते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, उस दिन कह दें कि जी आज स्पेशल चीज़ क्यों नहीं है. जिस दिन स्पेशल चीज़ हो उस दिन मूड हो रहा होता है कि जी हमने तो सिंपल कुछ खाना था. खैर लेट्स सी, मैंने पूछा तो नहीं उनसे, ना बताया अभी तक. तो खैर ये जो आलू वगैरह हैं, हम बिल्कुल छोटी सी हमारी फैमिली है, दो मेरे बच्चे हैं और दो हमियाँ बीवी हैं और इसलिए हमें कोई ऐसा जितना ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती. लेकिन इतनी शॉर्ट फैमिली में ये भी समझ नहीं आती है कि खाना थोड़ा बनाना है या ज़्यादा बनाना है. जिस दिन थोड़ा ज़्यादा बना लो उस दिन बच जाता है और जिस दिन कम बना लो उस दिन टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाता है. तो ये पता नहीं कब जस्तजू और टेंशन ख़त्म होगी. लेकिन है जो खाना वगैरह बच जाता है वो मैं अपने हेल्पर्स वगैरह को उसी वक्त दे देती हूँ, जैसे कि 2-4 दिन रख के तो फिर उनको दिया जाए. ये मैं एक टिप आपको दे रही हूँ, जब भी जैसे ही आपको लगे कि ये खाना हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है और हम नेक्स्ट डे इसको यूज़ कर लेंगे, इस टेंशन से निकलने से बेहतर है आप वो मेड को टाइमली दे दें. यहाँ कोई ज़रूरतमंद है या अपने नेबर्स में जिसका आपको लगे कि खाना देना चाहिए आपको दे देना चाहिए. क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लोग 2-3 दिन का रख के हो सकता है जरूर रखता है तो वो फिर काफ़ी पुराना करके या तो फिर फेंकते हैं तो या फिर वो मुलाजमीन को देते हैं जो वो भी मुँह चढ़ाते तो फेंक देते हैं. इसलिए मेरा तो यही मानना है कि खाने को जितना वेस्ट होने से बचाया जाए उतना ही हमारे रिस्क में फरावानी और बरकत पैदा होती है. तो आई थिंक हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए. इसके अलावा जी ये थोड़ा सा जो मैस क्रिएट है, अब क्योंकि शाम का वक्त है और शाम के लिए मैंने ज़रा मेड अलग रखी हुई है. ये शोही वाली बात नहीं, मैं वैसे आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि भाई इतना इसने खलारा डाला होता है. तो वो क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है और मुलाजमिन रखना और मेड रखना कोई ऐसा बुरी बात तो नहीं है. जब आप एक किसी के हर इंसान का अल्लाह ने कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाया है तो उनका भी ये होता है. और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मुलाजमिन होते हैं और मुझसे हैप्पी ही होते हैं, उनको पता है कि मैं उनके साथ अच्छा तावन करती हूँ. डेफ़िनेटली अब वो बर्तन वो आके धोएंगी और खाना शाना मैं मेरी हेल्प करा देंगी. सब्ज़ियाँ मैंने धो दी हैं ताकि मिट्टी वगैरह अच्छे से निकल आए, लेकिन आके रोटियाँ वगैरह वही बनाएंगी, आटा वगैरह गूंदना हो या जो भी चीज़ हो उसको वही करेंगी. अभी जी मैं चाय में शक्कर ऐड कर चुकी हूँ, चीनी मैंने अवॉइड की हुई है और चाय अभी मैं पीऊँगी. ये ऊपर छोटा सा एक कैबिन है, मैं किसी दिन आपको अपना किचन का अच्छा सा टूर दूंगी. बड़ा मेरा मिनी किचन है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसे ही हो रहा है कि जिस दिन ज़्यादा गंद पड़ा होता है उस दिन मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ. लेकिन यूजुअली तो हमारे किचन ऐसे ही होते हैं, हर वक्त क्लीन एंड टीडी तो होते भी नहीं है हर घर की तरह. ज़ाहिर है जहाँ खाना वगैरह बनना है हमारे डर्टी किचन अलग और दूसरे अलग तो नहीं हो सकते, हमारे एक ही किचन होते हैं तो उसी में फिर हमने खाना पकाना होता है. सो ये अब मैं चाय पीऊँगी. Thank you.
जी, तो ये रहा मेरा छोटा सा व्लॉग। अब मैं चाय पीऊँगी, इसके बाद जो है वो मेरी हेल्पर आ गई थी, उन्होंने मेथी वगैरह काटी और मैंने जो बनाई और कैसी बनी कैसी नहीं बनी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अब तब तक मेरे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे, मुझे इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। I hope you guys like it. Like, share and subscribe. Okay, jee, Allah Hafiz.